नतीजे जो दिल्ली एनसीआर के आ रहे हैं जी लगभग 90 जी लगभग 90 सीटों का आम आदमी को फायदा हो रहा है पिछली बार से, और एमसीडी में हम शानदार जीत दर्ज करने वाले हैं। धीरे धीरे रुझान जो हैं वो नतीजों में बदल रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल ने पहले 15 साल की कांग्रेस की सत्ता को उखाड़ा था दिल्ली से, अब 15 साल की एमसीडी को भी उखाड़ दिया है। इसका मतलब ये है कि लोग जो हैं वो नफरत की राजनीति को पसंद नहीं करते। लोग स्कूल, अस्पताल, बिजली, सफाई, इंफ्रास्ट्रक्चर को वोट देते हैं। बीजेपी मुझे बीजेपी बाल में बोल लेना आप। बीजेपी आप सब अच्छी बातचीत हुई है, नतीजे अच्छे आ रहे हैं, और एमसीडी में हमारी बहुमत आ रहा है। अब दिल्ली की सफाई हो, असली झाड़ू अब दिल्ली के कूड़ा के पहाड़ों पर चलेगा। सबसे बड़ी पार्टी कहने वाले साथ साथ सीएम यहाँ पे रोड शो कर रहे थे, 450 MP रोड शो कर रहे थे। इन्होंने जानबूझकर इकट्ठा रखा कि शायद आम आदमी पार्टी को हम गुजरात में बिजी कर लेंगे या एमसीडी में बिजी कर लेंगे। लेकिन कल वाले नतीजे भी इसी समय मैं आपके पास आऊँगा, कल वाले नतीजों का भी मैं यही रिजल्ट। लेकिन एग्जिट पोल गुजरात में आया नहीं हुआ, सरकार बनाते हुए नहीं दिखा रहे हैं, जबकि एग्जिट पोल तो आज भी हमें कुछ नहीं। इसका मतलब एग्जिट पोल अभी बीजेपी वाले कह रहे हैं एग्जिट पोल पे यकीन नहीं है हमें, वो कह रहे हैं हम मेयर बना लेंगे। अभी बीजेपी वाले कह रहे हैं कि एग्जिट पोल गलत निकला, तो कल क्यों नहीं गलत निकलेगा फिर? कल वाला सही निकलेगा है? ऐसा नहीं होता। जनता जनार्दन है, लोग बड़े हैं, लोग बड़े पब्लिक, देखो लोकतंत्र में लोग बड़े हैं। कोई एग्जिट पोल, कोई सर्वे, लोग नहीं बताते इस बात को कि हम क्या कर रहे हैं। तो आज की शानदार जीत जो हुई है, क्योंकि मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है, उसके बाद मैं आऊंगा और जश्न इकट्ठे अरविंद के दफ्तर पे जश्न मनेगा क्या आपका? यस, बीजेपी दफ्तर में, बीजेपी दफ्तर में मीटिंग चल रही है। बीजेपी ने कहा है कि संपर्क करिए, जो बीजेपी ने जीते हैं उनसे संपर्क किया जाएगा, बीजेपी के नेता कह रहे हैं। बीजेपी को यही आता है, संपर्क कर लो, अगर खुद नहीं जीते दूसरों के संपर्क कर लो। बीजेपी वाले आम आदमी पार्टी से संपर्क नहीं करते,